हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये एक हमारा पहला वीडियो है, रिएक्शन वीडियो। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। अभी चैनल का नाम हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। हम लोगों ने कहा कि जितना देर हो रही है इससे अच्छा पहले शूट कर लेते हैं, और जब ये वीडियो आएगी तब तो आपको चैनल का नाम पता ही चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ अंकित। मैं हूँ शोभित। मुझे लगा तुम बताओगे। बता देता हूँ, मैं हूँ अंकित और ये है शोभित, तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो आज हम रिएक्ट करने वाले मंकी मैन पे, ये नई मूवी आई है। ऑल्दो हम लोग रिएक्शन में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम लोग मन बना रहे थे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैसे सो रहे हैं थे? ये ऐसे इंडियन थीम टाइप का है, एक्टर सारे इंडियन ही हैं। अच्छा, ये अनुपम खेर का लड़का है। बच्चा कैसा दिख रहा है? कुछ हनुमान जी का ही। अच्छा, इसमें ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप टाइप का नहीं दिखाया वो जॉर्डन पेले। इसमें ज़्यादातर इंडियन एक्टर ही हैं। शोभिता है, देव पटेल तो खैर हॉलीवुड में आती थी। भाई शोभिता, हाँ ये वैसे अच्छा एक्टर है। अरे ये भी तो आता है पिक्चरों में। तो राइट देखो उसकी राइट। वो थोड़ा तो हॉलीवुड में वैसे दिखाते ही ना इंडिया को थोड़ा सा स्टीरियो। मुझे बैटमैन की कार याद आ गई थी। ये जॉन विक वाइब है इसमें। ये वो बोल रहे हैं ना इंडियन जॉन विक। ये देव पटेल अवतार में भी था ना। वही वही अवतार। वो अप्रैल में कब रिलीज हो रही है? ये एनिमल का सीन है क्या? वैसे ही कर दिया मैंने तो। रिवेंज प्राइमल। मंकी चेंज हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक चल रहा है। पंजाबी तड़का। मंकी मैन मूवी तो अच्छी लग रही है, देखो। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 5 अप्रैल को रिलीज। इसको थोड़ा सा बैक करते अभी देखना। इसमें जो स्टोरी है वो भी देव पटेल ने लिखी है, स्क्रीन प्ले भी उसी का है। तो मतलब देखते हैं ये कैसा होने वाला है उसका ना। चलो अप्रैल आने वाला है। राइट। तो दोस्तों, मंकी मैन का भी हम लोगों ने देखा है ट्रेलर। तो वैसे तो मूवी काफ़ी अच्छी लग रही है, एक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। देव पटेल ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है जैसे ट्रेलर में समझ आ रहा है। और देव पटेल की अगर आपको याद हो तो एक्शन वाइज अगर देखें ना तो अवतार एक जो मूवी आई थी जिसका भी नेटफ्लिक्स पे आने वाला है ना, एयरबेंडर, तो वैसे ही उसमें सूको बना था। सूको बना दें क्या बना था तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। तो वो एक फाइटिंग का इसका देखा है। बाकी देव पटेल लाइफ ऑफ पाई में भी था। तो लाइफ ऑफ पाई में नहीं था देव पटेल, वहाँ कोई और था। वो कोई और था भाई। राइट। इस्लाम डॉग मिलियनेयर में था। तो देव पटेल का खैर इतना एक्शन वगैरह वाला सीन नहीं था और ये काफ़ी अंडररेटेड है। तो जैसा एक्शन में आने वाला तो देव पटेल का मतलब वो ऐसा कह सकते कि अभी तक एक्टर ने फुल पोटेंशियल उसका मतलब कोई डायरेक्टर निकलवा नहीं पाया ऐसा कह लो या जो भी।
बहुत पोटेंशियल तो है उसमें, तो एक्टिंग वो तो अच्छी उसने खुद करता ही है। डायरेक्ट भी कर ली, स्क्रीन प्ले भी खुद का दे दिया, और खुद ही कास्ट भी हो गया। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप भी इंजॉय करिएगा जब मूवी हाँ, आएगी। एक प्लस पॉइंट इसमें अच्छा है कि इसमें अगर इंडियन वाइब दिखानी है तो एक्चुअल इंडियन एक्टर्स को लिया है, जिसमें आपको अनुपम खेर के जो बेटे हैं सिकंदर खेर वो भी दिख जाएंगे, शोभिता दास नाम है वो भी दिखेंगी, वो कुछ सीरीज़ वगैरह में भी आई है, देव पटेल तो है, तो एक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लेजिट है, तो लेट्स सी, देखते हैं। और दोस्तों आपको अगर ये हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, आने वाले समय में और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।